और सभी भैयन को राम राम। और हम आ चुके हैं तालबेट में, जो जिला ललितपुर में स्थित है। और ये तालबेट को है बाजार। देखो अबे दुकानें खुलत जा रही। समय बजे हैं सुबह के 9, और आपको दिखाई दे रहा पूरा एरिया घूम के देख लो भैया। हम आ गए महाराजा मर्दन सिंह चौराहे पर। यहाँ से हमने गाड़ी करी बैक और जा रोड पे हम सीधे चले जा रहे हैं। जा रोड पे हमें जाने किले के अंदर। फिर भैया हमने चारों तरफ देखो, वो तेरे की इतनी बड़ी दीवार है, इतना बड़ा गेट, वो भगवान। फिर भाई सब चले गए अंदर। फिर हमने बोर्ड में पढ़ो थोड़ो सो तालबेट का किला इसमें लिखा हुआ था, तो हमने जो पढ़ गए। फिर हमने कैमरा घुमाओ सीधो और दो औरतें बातें करें चलत जा रही कि लला तो कैमरा बना रहे। हमने उनकी बातें सुनी और सीधे घुस गए अंदर। ओ भैया अंदर जाके देखो तो सामने है तो तला, लेकिन पहले जैसा ये जो पहला है तो वही है। तो जैसे पहला था वैसे ही किला आज ही बरकरार है। हमारा किलो जैसे पहले है तो बचपन में वैसे ही किलो है अभी भी, लेकिन है शानदार। और सामने बह रही नदी जो है रास्ता ऊपर जावे के लाने। मंदिर तो बस साइड है, हाँ वो है मंदिर। बहुत पुरानी है जी, बहुत पुरानी व्यवस्था है। जे रख पा रहा कोई, सब बाली पैदा नहीं होते। भैया हमारे भाई साहब बना रहे रील और फोटो शूट कर रहे, और हम पीछे से कैमरा बना रहे। और ये जा रहा है हमारे भैया छोटे भैया, ये देखो। तो यहाँ चल रहा हो सेल्फी 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 चल रही भैया ये तो। अब जा रहे हैं भैया हम नीचे अपने शंकर, और देखो उनने मास्टर साहब बन गए चश्मा लगा के। और हम भैया अपने मोबाइल से कैमरा से बना रहे भैया, क्या करे छोटो सा मोबाइल है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। और ऊपर है किला, देखो ऊपर है किला, और यहाँ है पानी, और बीच में है हम। तो आगे है भैया शंकर जी को मंदिर जहाँ पर लोग चल रहे हैं। हम निकले थे सुबह 7 बजे वो भी झांसी से। लेकिन जो तो गिर गए थे, जब दीवार गिर चुकी। ये जावे तो कमल के फूल खिल गए, दो दिख रहे लाल वाले नहीं, सब लाल है सफेद है, सफेद वाले। ओम। और भैया इतने हमने करे अपने भोले बाबा के दर्शन, बहुत बड़ी पिंडी है साहब। जय भोले की, जय हो महाकाल, जय भोलेनाथ।
कृपा राखियो, सबकी विनती सुनियो। जय बम बम भोले, सबके दरवाजे खोले, जय बम बम भोले। और जे हैं अपने नंदी बब्बा। तो भैया हम दर्शन करके आ गए नीचे, अब बड़े भैया कर रहे दर्शन, तो थोड़ा उनकी फोटो खींच लें, एक दाएं से खींच लें एक बाएं से। जय बम बम भोले, जय बम बम भोले। तो भैया मैं नहा लो, शंकर जी तो भैया हमने नहा लो नदी में, हम नहा चुके। तो भैया हम नहा दो के तैयार हो गए, दर्शन मर्शन कर गए, अब आगे बढ़ रहे। वो आगे बढ़ के वो तालबेट घूमत कि तालबेट में कहाँ है बचपन की यादें। यस चलो ऐसे ही। भैया हम आ गए गौ कृपा बुंदेली भोजनालय कलेव घर पे। तो भैया बस एक है खाना, और शुद्ध खाना है जैसे घर को खाना है वो। तो आप देखिए शुद्ध देसी खाना, जैसे कलेव खाना खा कलेव को, कलेव कर लो, कलेव कर लो, वैसे ही है टोटल बुंदेली। और हम भी भाई साहब बुंदेली ही बोल रहे। तो ये पूरा आपका चलते हैं अंदर और उतारते हैं जूते, क्योंकि यहाँ जूते उतारना पड़ेगा अपन को, और बैठ के खाना है। ये देखो यहाँ बैठ के जूते उतारने पड़े, और थोड़ा कैमरा के पीछे आपको दिखाएं दे रहे। देखो भैया ऐसे खाना खाने पड़े अपन को, बिल्कुल लाइन से बैठ के ऐसे बैठ लो ना भाई साहब। हाँ जैसा अपने बुंदेलखंड में होते हैं ना वैसा ही है टोटल। तो मज़ा भी आता है ऐसे खाना खावे में। तो भैया उतार लें जूता और मोजा। हमने उतार लिया जूता, अब खाना कैसे खाने, बैठ के खाने अपन को के कुर्सी बैठ के खाने के अपन को के नीचे बैठ के खाने, दोनों ऑप्शन अपने पास खुले हैं। ठीक है, और इस तरीके हम आपको दिखा दें का का आइटम है। तो वो देख लो जाए लिस्ट। तो हमारे बड़े भैया उतार रहे फोटो, तो वो देख लो। गांव बेचकर शहर खरीदा, ये यहाँ लिखा हुआ है, जो पढ़ने में आपको अच्छा भी लगेगा। तो जैसो घर को आंगन रहता ही बिल्कुल खाना खावे वालों वैसो ही है टोटल, बिल्कुल टोटल वैसो ही है। तो भैया हमें तो मज़ा आ गया, तो आपको कैसो लगे सो हमें बताइयो कमेंट्स में। जो देख लो झूला भैया, झूला देख लो पलना, जो झूला है जो अपना वो है का आईना, जो खाट टोटल बैसो ये सब रो। और यहाँ पे लिखो है जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसो हो बर्तन वैसे ही हो संबंध। तो भैया पढ़े हुए तो बहुत अच्छा लग रहा हो, बहुत ही मजा आ गया साहब, बहुत ही मजा। तो हाँ
पीछे वो बुर्ज टाइप का घर बना रखा है, एक खाट है, पंखा लगा है। अच्छा देख के तो भैया बता रहे एक पीछे भी एक अच्छो सो लोकेशन है, जहाँ से बोला तो चल के आपको दिखा दें। और जो है को पुराने पुरानों आइटम गाना बजाए वालों, जैसे गाना बजते वही सब लांटेन मांटेन सब टंगी थे। तो भैया ओए होए वो जो झूल जो राजा महाराजा के समय को बुआ तो बिल्कुल हवा करे वालो बड़ा फैन। तो भैसो ये भैया बिल्कुल टोटल और भैया ले आए पानी, सो हम पी रहे पानी। धन्यवाद भैया बहुत बहुत। अब आ बैठी, अब चल रहे अंदर। अंदर को आपको और दिखाई दे रहे भैया, बोले ऐसे ऐसे घूम लो अंदर जाके, तो वैसे घूमे ले रहे। ओ भैया जा है कोठिया, देखो भैया जा है कोठिया, जो गांव में नहीं रहते ही जई कोठिया में, तो जो सूबे के लाने हो गई ऐसी दो कोठियां है बनी। तो टोटल पूरा गांव का जैसा सिस्टम है। और वो है सपरना, मतलब नहाना सपरना, वो सपर भी लाने है जो है लेट भी लाने से रात मात के लेट भी लाने जो आपको आइटम है। हाँ कोठे गया, बारिश हो रही हो नहीं, सुबह के लाने है भाई साहब। हाँ बारिश हो रही हो, क्या मस्त मजा आएगा, पानी बरस रहा हो बस। आओ तो भैया हम ये छोटा सा घर भाई साहब। तो भैया बहुत ही मजा है, बारिश के बाद में तो मजा आएगा, ये पूछता बना हुआ तो फिलहाल सही है। अपनो टोटल देसी आइटम है बुंदेली बिल्कुल मस्त झकाझक। अब भैया सबसे पहले यहाँ को मठा पीवे के लाने। अच्छा तो मठा पी के दीगत कैसो टेस्टी लग रहा हो, ठंडू लाल होगा। भैया मठा के बाद आ गई पत्तल, अब पत्तल है तो पर्स दे दोना भी पर्स दे। अब खाना कब तक आ रहा भैया, जो देखने भैया बहुत भूख लग रही, वो कोई कुछ नहीं आ रहा कहीं। भैया खाना आ गया, खाना में का है वो देख लो आप लोग। तो भोज हाँ भोजन खाना भोजन में शुद्ध भोजन। तो भैया देखो दाल है, करी है, बड़ा है और भटाको भर लड्डू चोखा बाटी, और ये है आपका बूरा शक्कर का। तो ये सब आ चुके, अब आने हैं रोटी। तो भैया रहो तो जान नहीं रहो खाबे बिना, लेकिन थोड़ा इंतजार कर ले तो और मज़ा आ जाए। का है थोड़ा टाइम और लग रहा है, पेट में चूहा दौड़ रहे, रोटी आ जाए तो और मज़ा आ जाए। तो हमारे भाई साहब लोगों ने शुरुआत कर दी, ये देखो हमारे भाई साहब लोग कर दी शुरुआत, हम बैठे वीडियो के चक्कर में खाना होना है, खाए रोटी आ जाए। चलो खा ले रहे अब। भैया खाना तो है भैया बहुत टेस्टी दे, आ हा हा ओ मस्त खाना, बहुत अच्छा लग रहा खाने में, आय हाय हाय हमें तो बहुत मज़ा आ गया। हम तो खाना भरपेट खा लो हमने, भैया ने बहुत अच्छा खाना बनवाओ। तो भैया आपका शुभ नाम, आपका शुभ नाम? हमारा संतोष नाम है सर। कितने का स्टाफ है यहाँ पे? यहाँ पे 10 आदमी हैं। सुबह कितने बजे स्टार्ट होता? 2-10 बजे से हो जाता है। 10 बजे से, और रात को 10 बजे तक बंद होता है। 10 बजे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो भैया खाना बिल्कुल घर जैसा था, और आप भी कभी आए फैमिली को लेकर बहुत इंजॉयफुल है, मज़ा भी आता है अपना बुंदेली भोजन घर का कलेव। तो भैया आए फैमिली के साथ में और इसका आनंद लें अपने खाने का देसी आइटम का, और चलते आगे और फिर और कुछ इंजॉय करते। मेरी पुरानी यादें हैं,
वहाँ पहले किराए से रहते थे उस वाले एरिया में, तो पूरा पहले से ज़्यादा चेंज हो चुका है, मकान ही सारे बन चुके इस गलियों में, पहले पूरा खाली था। तो चलते हैं घर वापस।